ये MI मोबाइल, MI Note 3 का मोबाइल था, उसमें चार्जिंग का इशू आ रहा था तो चार्ज नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको खोले। खोलने के बाद जो चार्जिंग पॉइंट का जो साफ बोर्ड है उससे जो पिन है उसको हम लोग निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसको अब पूरा बोर्ड को चेंज करेंगे तो फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो 300-400 रुपये लगेगा, एंड ओरिजिनल MI स्टोर से इसका दाम है 700-800 रुपये। मगर ये जो पिन है इसको हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे, इसका दाम ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 रुपये लेता है। तो ये गरम हवा देके इसको खोलते हैं, देखिए गरम हवा देके इसको हम लोग खोल रहे हैं। ये देखिए खुल गया। और ये है MI का सब बोर्ड, वो गर्म हो गया, थोड़ा हाथ में थोड़ा गर्म लग गया, तो इससे हम लोग ये जो पिन है उसको निकाल लिए इधर से। तो इसको फिर अभी हम लोग 5 रुपये में इसको खरीद के लाएंगे दुकान से, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ये फोन का बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर स्विच ये सब है। तो पहले हम लोग साफ कर रहे हैं, देखिए तो इसको साफ करने के बाद इधर प्लेस करेंगे सॉकेट को। तो वो जो सॉकेट हम लोग 10 रुपये से खरीद के लाए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला नया सॉकेट है और ये वाला पुराना था, वो बेकार हो गया, उसको फेंक देंगे। तो इसको चेंज करेंगे, तो इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था, तो इसको पूरा जो सर्किट है साफ बोर्ड है उसको चेंज करेंगे तो 700-800 रुपये लगेगा। तो हम लोग ये 10 रुपये से इसका सॉकेट लेके आए हैं, तो इसको इसके साथ अभी सोल्डरिंग करके इसको अटैच कर देंगे।
उसको फिर से लगाना पड़ेगा कवर को। हाँ नहीं लगाने से क्या होगा? प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, साउंड में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, साउंड थोड़ा सा कम लगेगा। किसका फोन का? हाँ क्यों? चार्जिंग पैडिंग किया हुआ है ना। हाँ साउंड चारों तरफ से निकल जाएगा, साउंड को कंसंट्रेट करने के लिए लगा हुआ है। इसीलिए सर्विस सेंटर में उतना झमेला नहीं लेता है वो लोग, पूरा ये जो साफ बोर्ड है पूरा साफ बोर्ड को ही चेंज कर देते हैं ना। इसमें अगर आईसी खराब होगा तो काम नहीं करेगा, अगर सिर्फ वो सॉकेट खराब है तो ठीक है। नहीं आईसी नहीं है, वो इसमें आईसी है ही नहीं, नहीं। तो इसमें क्या क्या है? रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, मतलब कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस चीप लेवल का। ओ तो वो सब खराब होने से उसको चेंज करना मुश्किल है ना। कर सकते हैं मगर कंपोनेंट मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा पुराने बोर्ड से, और पुराना बोर्ड से ढूंढ के लगाना पड़ेगा। हाँ ज्यादातर सॉकेट ही खराब होता है, हाँ सॉकेट खराब होता है 90% केसेस में, क्योंकि उससे पानी वगैरह घुस जाता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर जाके खराब कर देता है। अभी थोड़ा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लगा रहा है, एल्कोहल से सब चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। देखिए सर्किट का भी एल्कोहल से काम बन रहा है। ये बोर्ड को साफ कर रहे हैं, किसी जगह पे अगर रास्टिंग होगा या कुछ डस्ट पार्टिकल से अगर प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर गर्म हवा लगाएगा, तो ये साफ बोर्ड को देख लीजिए हम लोग क्या किया, इसका जो सॉकेट है इसको चेंज कर दिया हमने, वो 10 रुपए से खरीद के लाया था, पुराना सॉकेट है। तो देख सकते हो कितना छोटा है मेरे उंगली के साथ कंपेयर करके, तो पीछे तो देखते हैं अभी चेंज करके उसको सर्किट को लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये स्पीकर, स्पीकर है, एंटीना बोर्ड उसके साथ एंटीना भी है। हाँ अभी चार्ज पे लगा के चेक करते हैं। ये देखिए चार्ज हो रहा है, अभी ये ठीक हो गया है इसका पोर्ट, तो अभी चार्जिंग हो रहा है आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।